नेतृत्व का महत्व तो होता ही है, कार्यकर्ता तो अपनी जगह, और वो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे आया कि 21 सीटों पे थे, लेकिन सचिन पायलट जी ने, उन्होंने देखा कि सचिन पायलट पहले दिन से ही शुरू हो गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में इस समय जब बात सियासत की जाती है, लेकिन सियासत से पहले अब देखिए, साल 2022 का ये आखिरी महीना चल रहा है, यानी दिसंबर लग चुका है, और ये दिसंबर का महीना राजस्थान की राजनीति में बड़ा जोरदार होने वाला है। जोरदार इस मायने में कि एक तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में गुजरते हुए अब अगले दो दिन बाद वो राजस्थान की धरा पर अपना कदम रख देंगे, और उसके लिए जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। रथों को जयपुर से उनके हिस्सों में जहां पर उन्हें भेजना है वहां से भेजने की भी शुरुआत हो चुकी है, और जेपी नड्डा खुद जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जयपुर में इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मामले की शुरुआत भी कर दी है। दरअसल एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि भारत में जिस तरीके से बेरोजगारी और तमाम दूसरी तरह की जो समस्याएं हैं उनको सबको समेटते हुए उनका कैसे निदान हो सकता है, पब्लिक से कैसे रूबरू हो सकते हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बताया जा रहा है। इधर बीजेपी की कहना ये कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार में जो कमियां रही है, हम पब्लिक तक उन्हें इस यात्रा के जरिए, इन रथ यात्रा के जरिए, इस जन आक्रोश यात्रा के जरिए हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, यानी तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की ये रथ यात्रा लगभग पैरेलल चलनी है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी समस्या ये कि ये दोनों ही चीजें उस वक्त जब अब राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जाहिर सी बात है चुनावी तैयारियां हैं, और तमाम चीजें अगर हम कहें कि चुनाव और सियासत का ही एक भाग है ये, तो शायद गलत नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, उसका मकसद क्या है इन अपनी इस जनाक्रोश यात्रा के पीछे, और कांग्रेस की इस यात्रा के पीछे मकसद क्या है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशील आसोपा जी। आसोपा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि देखिए, कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी ने भी अपना शोर शुरू कर दिया है, और सीधा सा कहना ये कि वो राजस्थान के हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे कांग्रेस की खिलाफत करने के लिए। क्या लगता है कि वाकई क्या कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपनी बात करने का, अपना मूवमेंट करने का जी। और अपने आंदोलन के तरीके क्या अपनाते हैं, उनका अपना अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से चला है। भारतीय जनता पार्टी 2002 से लेकर के और 2012 तक तो नतमस्तक रही है वसुंधरा राजे जी के सामने जी। वो ऐसे कि 2002 में, बड़ा एक रोचक आपको पुरानी बात याद दिलाऊं कि जो केंद्रीय नेतृत्व था भाजपा का, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और आडवाणी जी भाजपा कार्यालय में बैठ करके और निर्णय कर रहे थे राज्यों का, तो राजस्थान में उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाभड़ा को अध्यक्ष बनाने के आदेश लगभग जारी कर ही दिए थे कि भैरव सिंह जी ने तमाम प्रोटोकॉल को छोड़ करके और वो भाजपा कार्यालय चले गए उपराष्ट्रपति थे जल्दी, और वर्चुअली उन्होंने रोका कि नहीं भाभड़ा नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी अदावत भाभड़ा जी से थी, और लेकिन और उन्होंने कहा कि वसुंधरा को भेजा जाए। और अब याद करिए, वसुंधरा राजे 2002 में आई परिवर्तन यात्रा के नाम से बस लेकर के घूमी जी, और वो सरकार उनकी बहुत, पहली बार भाजपा को अपने दम पे 120 सीट का बहुमत मिला, लेकिन वो निरंकुश शासन था और
ललित मोदी को लेकर के बहुत बातें हुई और जमीनों के घोटालों को लेकर बहुत बातें हुई, तो सरकार चली गई। वो 2012 तक 3.5 साल लंदन में रही, वो लगभग लंदन रही। वो कल वो कह रही थी ना कि जैसे कि पोस्टर पे छपने से कुछ नहीं होगा, जनता में जाओ, तो खुद उस समय 3.5 साल जनता में कभी नहीं गई। पर वो मोदी शाह का युग नहीं था और राजनाथ सिंह थे और कटारिया जी अपनी यात्रा निकालना चाह रहे थे जी, और उन्होंने नहीं निकलने दी और अल्टीमेटली वसुंधरा राजे की ही यात्रा निकली और वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी करना पड़ा। और वो मोदी भी तब तक प्रधानमंत्री बने नहीं थे, तो सहमति दी होगी और वो फिर मुख्यमंत्री बन गई। और दूसरे कार्यकाल में भी वो विवादास्पद रही, खान घोटाले को लेकर के, बेरोजगारों को लफंगा कहने को लेकर के, और अनेक लाठीचार्ज हुए। पहले में गुजर आंदोलन में गुजर मारे गए, दूसरे में अनेक लाठीचार्ज सरपंचों पे हुए, पटवारियों पे हुए, और तमाम जो क्राइम रेट बढ़ा। हालांकि ये क्राइम रेट को लेकर के एक बात, जब भी कोई सरकार आना चाहती है तो वो पिछली सरकार की क्राइम रेट को जी इंगित करती है, क्राइम रेट बढ़ गई, और वो खुद सरकार में जब आ जाती है पार्टी तो क्राइम रेट बढ़ती है तो भी वो कोई अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती। वो ये मुझे लगता है सर्वव्याप्त एक समस्या है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं कहीं, वो अलग बात है, एकेडमिक बात है। तो वसुंधरा राजे जी का कार्य, वो फिर हार गई क्योंकि सचिन पायलट यहाँ आ गए थे तब तक नया चेहरा, और राजस्थान की जनता में उम्मीद थी कि भाई सारा बदलाव होगा, ठीक है वो एक अलग बात है। तो मैं ये लोबोल हुआ भी है कि अब बीजेपी में जो चल रहा है वो आप ये देखो कि नड्डा जी को केवल रथ यात्रा शुरू करने आना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि वो वसुंधरा राजे जी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है और नए नेतृत्व को पनपने देना नहीं चाहती। और नए नेतृत्व में भी मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी जैसी जो एक शख्सियत या उनकी जैसी वर्किंग या लोकप्रियता हासिल करना या जो कुछ भी होगा डिफरेंस, तो वो एस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए। तो वो एक उनका टग ऑफ वार, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो इसलिए ये यात्रा इनको और नड्डा जी को आकर के इसलिए शुरू करनी पड़ी कि 200 विधानसभाओं में इनके रथ जाएंगे, तो वो रथ जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका कैडर तो है ही हर जगह, जो भी पार्टी मुख्य पार्टी होती है उसका हर जगह कैडर होता है, तो मंडल में जाके खड़ी होगी बस, या जो भी रथ, तो वो पर्चे बटेंगे, कुछ टीवी पे दिखाया जाएगा स्क्रीन पे जी, सरकार की कमजोरियां बखान की जाएगी, लोगों पे कितना असर होता है नहीं होता है ये तो ठीक एक साल बाद 2 दिसंबर 2023 के आसपास वोटिंग होनी है, उस दिन ही पता चलेगा। पर ये अपना काम कर रहे हैं, जो इनको अधिकार है वो करना चाहिए। लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा यही है कि आप हमारी कमियां बताओ और वो उसके बेसिस पे आप जनता में अपनी जगह बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम रिपीट करेंगे। और यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा जो आने वाली है वो बीजेपी की कमियां बताएंगी। भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल मकसद है, मैं ऐसे बिल्कुल आंख मीच करके कि मेरे नेता हैं राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर भाषण सुन रहा हूँ जी, और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे नेता यात्रा में कर रहे हैं, AICC की अलग बात है, वो तो डे टू डे मुद्दों पर बात होती है, उसमें वो 3-4 जो मकसद लेके चले वही बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी 8% हो गई आज की तारीख में, CMI का आंकड़ा आज ही पब्लिश हुआ है, 8% हो गई है। यद्यपि राजस्थान में भी मतलब महंगाई इधर काफी ज्यादा है, पर नेशनल 8 होना बहुत बड़ी बात है, 45 साल से भी ज्यादा समय की सबसे महंगाई है। और भाईचारा और देश की जो भाईचारे के नाम पे जो एकता होगा समय था वो पिछले 8 सालों से असहिष्णुता बढ़ी है, नफरत का माहौल और ज्यादा खराब हुआ है, उसके ऊपर जनता में जागृति के लिए यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और आप देखो तमाम तरह के लोग, अलग अलग सेक्टर्स के पुराने एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं,
सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, अमोल पालेकर जैसे फिल्म पूर्व फिल्म स्टार आए, और नेवी के रिटायर्ड एडमिरल आए रामदास जी, तो इस तरह के अगर अलग अलग स्ट्रीम के लोग आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं, कोई अपना गुल्लक दे रहा है, तो एक देश में अलग तरह का वातावरण बन रहा है जो लोग भी समझने में कोशिश कर रहे हैं। लगता क्या है कितना फर्क पड़ेगा? देखिए मैं ये मानता हूं कि कोई भी राजनेता अगर इस प्रकार की एक देश की समस्याओं और सामाजिक ताने बाने को लेकर के 3,500 किलोमीटर पैदल चलता है तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम क्या इंपैक्ट आएगा वो ये है कि उसकी अपनी जो पार्टी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा जोश बढ़ जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जिनको न इस पार्टी से मतलब न उस पार्टी से मतलब, अपना रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब है, वो इन मुद्दों को लेकर समझेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर सभी देखते हैं कि किस तरह के व्हाट्सएप और वीडियो घृणा के फैलाए जा रहे हैं। ये करोड़ों रुपए राहुल जी ने भी मेरी इमेज खराब करने पे 1,000 करोड़ खर्च किए गए, तो वो जो उनको भी लेकर के लोग देखते हैं तो समझेंगे कि यार राहुल गांधी ये बात अच्छी कह रहे हैं, तो उन लोगों पर मुझे लगता है असर पड़ेगा। फिर जो एक यूथ है जो बेरोजगार है उनको ये तो लगेगा ना कम से कम कोई हमारे बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो कर रहा है तो इसको अगर ताकत देते हैं तो ये कमिट होके जा रहा है। कोई आदमी 3,500 किलोमीटर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के और यात्रा कर रहा है, और अगर उस व्यक्ति को नेता को सत्ता सौंप दी जाए तो क्या आप नहीं मानते कि वो कमिटेड है महंगाई और बेरोजगारी को काबू में करने के लिए, काम करने के लिए है ही जी। अभी आपने जिक्र किया है कि जब वसुंधरा राजे जी की जब बात चल रही थी आपने कहा था कि उस समय सचिन पायलट भी राजस्थान में आ गए थे और उसकी वजह से भी शायद उन्हें पार्टी को या वसुंधरा जी को या जो भी इस तरह के जो लोग थे उन्हें चिंताएं कुछ हुई, तो क्या अब मानते हैं कि हाँ वाकई आज भी हालात वही है जो उस दौर में थे या उससे बेहतर? वो आप इसको यूं ले सर जी कि सचिन पायलट जी के साथ चूंकि मैंने काम किया है जी, तो मेरा इतना क्लोज इंटरेक्शन नहीं होता है, बहुत सीनियर नेता है, कार्यकर्ता ही हूँ, पदाधिकारी था जी, लेकिन कितना भी हो इतना स्तर का फर्क रहता ही बिल्कुल। पर मैंने जितना ऑब्जर्व किया है उन्होंने 5 साल में वसुंधरा राजे जी की सरकार में किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं, छोटा था या बड़ा था। तो जनता ये देखती है कि यार कितना सजग और सक्रिय और क्रियाशील और अलर्ट नेता है कि किसी भी कमजोरी पे वसुंधरा राजे को बाई नहीं दे रहा है, बाई खेल में बाई नहीं दे रहा है, और उसी का परिणाम हुआ। देखो आप एक ही समय पे यहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी योगी आदित्यनाथ और वसुंधरा राजे, ये 4 बड़े नेता हेलीकॉप्टरों से और हवाई जहाज से घूम रहे थे पूरे प्रदेश में, और लेकिन सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो लीडरशिप तो उनकी थी, बाकी तमाम नेता कार्यकर्ता अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते हैं, किसी का पास में एरिया वो करता है, वो सब ठीक है और लेकिन नेतृत्व का महत्व तो होता ही है, कार्यकर्ता तो अपनी जगह, और वो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे आया कि 21 सीटों पर थे लेकिन सचिन पायलट जी ने, उन्होंने देखा कि सचिन पायलट पहले दिन से ही शुरू हो गए, यानी मैदान में आते ही और आते ही शुरू हो गए, हाँ तो फिर वो उनमें जोश आ गया, अरे ये तो कर देगा जादू। मैं आपको 3-4 एक आधी आधी लाइन में बताता हूँ जी। वो 21 जनवरी 2014 को उन्होंने चार्ज लिया, 20 फरवरी 2014 को वो रामेश्वर जी डूडी CLP लीडर PCC से सचिवालय तक गए और वहां अंदर दूसरे नेताओं को चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम दिया कि अगर आपने मेट्रो बंद की और रिफाइनरी को बंद की और निशुल्क दवाएं बंद की तो हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। कितना जोश आया हुआ पूरे प्रदेश में, क्योंकि वसुंधरा जी ने कहा मुफ्त दवा के नाम पे जहर है, मेट्रो तो बेकार का खर्चा है,
रिफाइनरी तो इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है, तो ये डर था कि हमारी तीन बड़ी जो योजना है उनको क्लोज कर सकते हैं, किया तो मोमेंटम आ गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, हार गए। तो 9 जुलाई को मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं 24 मई को, मोदी जी 28 या 24 मई को, 9 जुलाई को पायलट साहब ने खुद के नेतृत्व सहित खुद यहाँ ऊंट गाड़ी पे बैठ करके पीसीसी से कलेक्ट्री तक आए, और मैं गंगानगर में सह प्रभारी था। ऐसे हर जिले में 500 कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। किस बात पे? उस 2.5 महीने में केवल क्या हुआ, आप याद करिए, रोडवेज का किराया 30% बढ़ाया जी, रेलवे का किराया एकदम से बढ़ाया, उस समय वो तेल और खाद्य पदार्थ भी एकदम से शूट अप हो गए। कहां तो मोदी कह रहे थे बहुत महंगाई की मार, बहुत अब चाहिए मोदी सरकार, और आपके आते ही ये हाल हो गए। तो वो बहुत सक्सेसफुल तो कार्यकर्ताओं में उसका एक मोमेंट हम आया कि ही इज द लीडर हु कैन फाइट विद अस, वो नेता है जो लड़ सकता है, और इसकी लड़ाई में साथ देंगे तो सरकार आ जाएगी। तो वो मोमेंटम कभी गिरा ही नहीं, और इसी वजह से सरकार बनी राजस्थान में। हाँ, कार्यकर्ताओं ने कंसोलिडेशन हुआ उनका, नेताओं का भी कंसोलिडेशन हुआ। नेताओं ने भी ये देखा कि इस लड़के को सुन रहे हैं लोग, इस युवा नेता को सुन रहे हैं लोग, तो इनके पीछे लगे और सरकार बनी। तो आज भी क्या लगता है कि अगर आज वर्तमान हालातों को अगर देखें, तो क्या आज भी पायलट के सामने भाजपा के चाहे नए लीडर हों चाहे पुराने हों, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ खौफ तो है? मैं आपको अनौपचारिक बता सकता हूँ जी, लोग कहते हैं कहीं बैठो पत्रकारों के नेताओं के कि यार मोदी नहीं चाहते कि पायलट मुख्यमंत्री बने। वजह आप जो कह रहे हो वही, डर लगता होगा, इसको हराना मुश्किल होगा। तो लेकिन इसका मतलब लोग चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ नेचुरली ही पायलट साहब। देखिए, मैं कई बार आपके यहाँ कह चुका हूँ कि एक जब किसी के प्रति सहानुभूति का माहौल बन जाता है ना देश प्रदेश में जी, आप बताओ मोदी ने क्या सहानुभूति प्राप्त की कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मैंने चाय बेची है रेलवे में, सिंपैथी गेन की ना? या मुझे ऐसा कहा जा रहा है, अभी भी कहते हैं मुझे, मेरे को ये कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है ये, पर पायलट साहब के प्रति तो अपनी उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्यशैली, कार्य प्रणाली, उनकी वाणी, उनका जो शब्दों का चयन, उनका फ्लो, उनकी पर्सनैलिटी, लोगों से उनके मिलने का तरीका, एक बार वो जिससे मिल लेते हैं वो दूसरी बार उनसे मिलने के लिए बेताब रहता है। तो ये सब होता है, आदमी अपने आप में पैदा करता है, बढ़ाता है, कुछ ईश्वर का दिया होता है। यानी कुल मिलाकर कम से कम राजस्थान की जनता तो ये चाहती है कि हाँ अब उनके शासन की जो लगाम हो वो इस यूथ लीडर के पास हो, इन तमाम चीजों से। ये तो अब वो जनता क्या चाहती है, तो आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में रहते ही हैं, वो निर्णय पार्टी जो करेगी होगा तो वही। तो देखिए, कुल मिलाकर यात्रा बीजेपी की भी होगी, यात्रा कांग्रेस की भी शुरू होने वाली है राजस्थान में, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरों की खिलाफत करेगी पब्लिक के बीच में। और जाहिर सी बात है कि जब लोकतंत्र होता है तो सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, कौन किस तरीके से बात रखता है ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन वहीं एक दूसरी बात ये कि वाकई जिस तरह से, जैसा कि आसोपा जी का भी कहना कि पब्लिक में चर्चाएं हैं कि नरेंद्र मोदी सचिन पायलट को नहीं चाहते कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई खौफ, क्या वाकई बीजेपी इस चीज़ को जानती है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान में सीएम होंगे तो जो भी अभी बीजेपी की जो चीज़ें चल रही हैं, जो वर्किंग जो चल रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, पब्लिक का मन बीजेपी की खिलाफत के लिए तैयार हो सकता है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर खेल सियासी होगा, और जाहिर सी बात है कि अब अगले साल जब विधानसभा चुनाव होने हैं, तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, तो कहानी ये कि वाकई क्या अब जो भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं
वो क्या इन तमाम बातों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, या पब्लिक का मन टटोलने की अभी भी वक्त है या जरूरत समझते हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या नई चीजें राजस्थान की राजनीति में सामने आती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।